अच्छा जी, वीडियो का करते हैं स्टार्ट। और काफी लोग पूछते हैं जी बंडा, ये चेक करो जी बंडा, एक जानवर का ये देखें बना पड़ा और छोटे बच्चे ये खा रहे हैं। और ये जो नया आया था क्रॉस भी बच्चा, वो ये खा रहा है। अभी धूप का टाइम है और रोजे का भी टाइम, रोजा भी है। ये चाचा जी दोनों बाहर लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह 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 जरूर बोला करो यार आप लोग भी। ये देखें जी, साफ सुथरे चमके खड़े आज तो माशाल्लाह से दोनों ही। इधर कर। ये चेक करो जी, अब चेक करो सामा भाई माशाल्लाह। इधर कर, ओए शाइन मारा बड़ा प्यारा। चल जान दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करो, ये आ गया नुकरा। और इसके ये क्या हुआ है, ये क्या लगा हुआ है इसके गुमान पे, क्या गिरा हुआ है ये कोहान से, ये नीचे नहीं आ रहा, ये ब्लैक ब्लैक सा। पिंकी है, इसको क्या हुआ, इसकी नथ की वजह से हुआ। अच्छा ये तो जब तक मैं खड़ा रहूंगा बाकी नहीं खाएगा ये वाला, बाकी तो खा लेंगे। और ये है जी माशाल्लाह, उसका महल में नथ के ऊपर वो डाली हुई थी ना, मोरा डाला हुआ था, तो वो जख्म उसके वो पता नहीं चला। ये देखो, खैर ये हो जाएगा सही, पिंकी शिंकी लग गई अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी अंदर वाले भी दिखाता हूँ और इनके काम चेक करो जरा, सुकून माहौल और मीठे चौल। सारा दिन ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, खाते रहते हैं, जहाँ दिल करता जाते हैं। कॉल किसकी आ गई, जहेज वाले। अच्छा जी ये है जी माशाल्लाह। बाकी अभी ये बाहर आएगा, ये वाला मजर भाई का ये वाला बाहर आएगा, तो ये भी आपको दिखाता हूँ ये सारे। और कबूतरों का शौक पता नहीं किसको हो गया है, ये हसन भाई का हुआ है कबूतरों का शौक माशाल्लाह, गया ना। ये भी यहीं लग रहा है, ये हो गया जी कबूतरों का शौक। ये कबूतर है भाई, और उनके लिए ये उन्होंने जगह भी बनाई है, क्या बात है। अच्छा जी, बाकी गैनी को भी इधर ला रहे हो, इन्नाली। ये जी नाची, ये चेक करें। और ये गायें जो हैं वो जो माशाल्लाह से कंफर्म है, ये वाली दो माशाल्लाह। इसके शशके आपको मैंने ये ज्यादा दिखाता नहीं हूँ, इंशाल्लाह ये आपको ईद पे दिखाएंगे, मतलब ये जब भेज रहे होंगे ना उससे पहले इसकी वीडियोस दिखाएंगे। तो ये बच्चे खड़े हुए हैं, ये दोनों हैं ये अली भाई के। अच्छा ये वाला बच्चा मैंने जरा अच्छी तरह दिखा दूँ, इसकी वीडियो भी बनानी थी, मैंने याद आ गया मुझे। ये देखे चले गंदा, तो मारने आ रहा था मारने। हाँ जी हाँ जी, ओए ओए क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हैं ये आपस में, चलो ए चाचा जरा नगू सीधा करो, बंडा अभी इन्हें डल रहा है मेरे ख्याल में, अभी इन्हें डल रहा है। फ्लैश मैसेज आया और मोबाइल बंद, मतलब वीडियो क्लोज।
वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हम वीडियो बंद हुई है। ये माशाल्लाह चेक करो अभी मेरे को बंडा। चाचा बंडा पै गए इन्हें को यार पौने इन्हें को। अच्छा इनको डल गया बंडा। आय हाय 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 माशाल्लाह जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये चेक करो ये बच्चा है सही नजर आ रहा है या नहीं आना तो चाहिए। ये एक ये है एक ये है और एक वो बछड़ी खड़ी। ये बच्चे पहले वाले हैं ये इन्हीं के ही हैं इन्हीं गायों के। हेलो अल्लाह पाक जो है इनको अपनी हिफाजत में रखे यार बच्चों को। ये गायों का बंडा बछड़ियों का गायों का। ये बछड़ी माशाल्लाह ये देखे बंडे का टाइम है और बंडा इनको जा रहा है। इनको भी डलेगा अभी छोटों को ये भी इनको भी डालो यार अभी इनको भी डलेगा। जैसे जैसे आता जाएगा ऐसे जैसे आता जाएगा इनको डलता जाएगा। तो ये बछड़ी एक माशाल्लाह अली भाई की है और एक जो है नासिर भाई की। वो ये वाली नासिर भाई की है और ये वाली अली भाई की माशाल्लाह से। और वो जो बछड़ी खड़ी है वो नहीं आई है। बच्चे मैंने दिखा दिए आगे आगे चलते हैं। ये है तौकीर भाई का। जी भाई जी भाई जी भाई साहब चाचा जी बंडा डाल रहे हैं। माशाल्लाह बछड़े साफ हुए हैं माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करो जिनको ऑयल देना होता है वो उनको एक दिन छोड़ के एक दिन बाद हम ऑयल देते हैं। तो इसी तरह ये जो बछड़े हैं माशाल्लाह तैयारी पकड़ी हुई है सबकी सबको ये अल्लाह पाक अपने जमान में रखे यार। इनको बंडा नहीं डाला इनको बंडा एक बैन नहीं कटा चाचा एक। अच्छा ये वहाँ खड़ा हो गया ना इसकी थोड़ा सा टांग में दर्द होने लग गया है मेरे ख्याल में इसकी वजह से इसको दोबारा यहीं पर ही बांधा हुआ। ये जो मजर भाई का वो जो नया आया था साउथ दिल्ली था वो किधर है बाहर तो नहीं खड़ा उधर शायद दूसरी साइड पर खड़ा हो दिखाता हूँ आपको। ये खड़ा है ये खड़ा है। गर्मी तो यार बड़ी टिका के यार हूँ गर्मी बहुत है। ये रहा वो दूसरा बच्चा ये हो गया इसका ठीक हो गया ये पहले से कुछ बेहतर है। उसकी टांग दर्द करने लगी थी इसी वजह से इसको रैंप से उतारा है वापस इधर बांधा। ये हैं जी तौकीर भाई के और ये हैं जी माशाल्लाह चेक करो। अभी फिलहाल तो सब भी खाने में मसरूफ हैं वंडा इनको डल गए। इधर इतनी सारी जगह बच जाती है लेकिन ये शाम को वापस अंदर आते हैं ना दोपहर में अंदर आते हैं ना ताकि ये धूप से बच जाएं। यहाँ से अब ये देखें ना लाइन लाइन लगी हुई है ये देखें अब आपको सही नजर आ रहे हूँ। तो अभी दूसरे शेड पे चलते हैं वो वाले दिखाते हैं आपको। ज्यादा बोला नहीं जा रहा भाई रोजे की वजह से तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप सब। ये चेक करो बाहर का सीन कबूतर कितने हैं ये। अच्छा भाई ये भी अभी बढ़ेंगे मेरे ख्याल में अब ये लाहौर वाले अली भाई के।
और ये बच्चे, इनको भी अंडा डाल दिया उन्होंने, अभी अंडा खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जैसे दूध का टाइम होगा मगरिब से पहले पहले तो इनको छोड़ देंगे बच्चों को, इसको भी, उसको भी, बछड़ी को भी, ये जितने भी खड़े हैं सब दूध पे जाएंगे, ये वाला भी जाएगा। और इनको हाथ से बनाना पड़ता है फिलहाल, क्योंकि इनकी गाय नहीं है, तो इनको ये जो खड़ा है ना ये वाला, इसको अभी हम नाल से बुलाते हैं। ये वाला भी गाय के नीचे है, खुद ही पीता है, और ये सब बच्चे खुद ही पीते हैं अभी फिलहाल। और बछड़ी को क्यों अलग बांधा हुआ है, वो छोटी को, छोटी बछड़ी हाँ उधर बैठी है, तो ना, नहीं ये चारा नहीं डालना है इधर, करेंगे ना इसे दूध पिला के, चारा इनको पहले चारा डाल के फिर दूध पिलाओगे, ये बड़े हो गए। ये दूसरे शेड पे मैं आ गया हूँ, ये है जी बछड़ी माशाल्लाह एहसन भाई की, चेक करो क्या हुआ, ये चेक करो जी। अच्छा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि आज मैंने ज़रा घर भी जाना है जल्दी, तो इसलिए अभी इनको वंडा भी नहीं डला, तो अभी से हम वीडियो वो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखा दूँ, एक ओवरव्यू दे दूँ, फिर रमज़ान में जो है फिर मैं जा सकूँ घर अफ्तारी करने के लिए टाइम से, क्योंकि फिर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसे हम नमाज भी पढ़नी होती है और बाकी काम भी होते हैं। तो अभी इनको वंडा डल रहा है, अभी किसी को वंडा अभी फ़िलहाल इधर नहीं डला। ये दो बछड़े माशाल्लाह कद बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा कद कर रहे हैं दोनों माशाल्लाह, नान भाई वाला और ये अली भाई वाला दोनों ही। ये देखो ये अली भाई का है, वो वाला नान भाई का, तू मैं नहीं भूलता, तू भूल गया। हारून मुझे देख रहा है कि क्या हो गया, मैं कहा मैं नहीं भूल सकता क्योंकि मुझे पता है तो याद रखना पड़ता है। और ये है जी भोला, ये भोला आजकल परेशान है थोड़ा सा यार, क्यों इसकी नथ डाली है ये आजकल ना, खा नहीं रहा यार, तो नथ इसको जरूरी भी थी, निकाल दिया भाई, निकलवा देनी है इसकी नथ, ये तो भाई संभलता नहीं है माशाल्लाह, इतना बड़ा वजूद है जानवर का और जोर मारता है फिर भागता है ना यार, ये ना वंडा पाले मुझे बाद में यानी नथ कटे ने है, खाता नहीं है ना, खाता नहीं, खड़ा है यही ना, यही रोला होता है जानवरों का, अगर नथ डाल दो ना, नहीं नहीं दो तीन दिन ना खाए तो फिर समझो काम खराब है बछड़े पीछे। और ये देखो उनको भी, वो देखो सुसु पी रहा है, ये चेक करो जी, तेल सेल जा रहा है ना, हाँ। एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ऑयल वगैरह सब कुछ इन्हें जा रहा है, इसको जिन जिन को जाता है वो उनको तो रूटीन से जा ही रहा है। तो इसकी क्या चोट लगी है, पहले से ही थी, हमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, मुझे तो पहले दिन से यार, ये तो फिर आई है ना, खैर है इसकी, तो उसको थोड़ा सा सेट कर, इसको भी दोबारा करवाते हैं, बीज रखवाते हैं थोड़ी सी इसकी, ये तो अब तो बहुत बेहतर होगी जिस दिन, हाँ तो वो पता है मुझे, पता है उस दिन मैं साथ ही था, लेकिन इसका प्रोटीन लेवल वगैरह सब कुछ सेट करना इसको भी, ये अभी तक इसके सींगों में रस्सा डाला हुआ तुमने भी, तो भाई ये था सीन्स आज फार्म का, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हफ्ते इसी टाइम ही मिला करेंगे ताकि जल्दी नमाज भी पढ़ लें और टाइम से जो है सब काम कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।